हेलो गाइस, आज मैं बनाने वाला हूँ चिकन, वो भी बड़ा टेस्टी और कम टाइम में और कम खर्चे में। कैसे बनाए तो वीडियो को जरूर देखें, वो भी एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। चिकन बनाने के लिए हमें पहले चाहिए चिकन, जो कि हमने ले लिया है प्लेट में। उसके लिए थोड़ी बहुत सामग्री चाहिए, जैसे टमाटर कटे हुए बारीक कटे हुए, और प्याज बारीक कटे हुए, एक नींबू, अदरक, लहसुन और मिर्ची, टमाटर का पेस्ट, और ये कुछ नमक रखा हुआ है, और यहाँ पे मीट मसाला। मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले इसमें डालूंगा मैं थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। नमक डालने के बाद थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा हल्दी, हल्दी डालने के बाद थोड़ा सा नमक और डाल देता हूँ मैं, मुझे लग रहा कम है। फिर नमक डालने के बाद इसमें थोड़ा सा डालेंगे तेल, थोड़ा सा तेल डालने के बाद थोड़ा सा डालेंगे इसमें नींबू, नींबू से थोड़ा थोड़ा खट्टा खट्टा स्वाद आ जाएगा, इस वजह से नींबू डाल रहे हैं थोड़ा सा। एक नींबू डाल दिया, अब इसे अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करने के बाद इसको रखेंगे 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर। 10 मिनट के लिए इसे फ्रिज के अंदर छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने गैस चालू कर दिया और यहाँ पे कढ़ाई के अंदर डाल दिया तेल, और उसके बाद और प्याज डालेंगे अपने, इसमें करेंगे फ्राई। प्याज प्याज को करेंगे, और प्याज को जब तक मतलब हिलाते रहेंगे जब तक कि थोड़ा थोड़ा लाल ना हो जाए, ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाएगा। के बाद इसमें डालेंगे टमाटर, जो मैंने बारीक कटी हुई रखी हुई है, इसे डालेंगे इसको थोड़ा सा लाल होने के बाद। प्याज का कलर पहले से ब्राउन हो गया है, तो इसमें अब डालेंगे थोड़ा सा टमाटर, जो मैंने काट के रखी हुई थी, इसमें डालते हैं टमाटर। इसे जब तक भूनते रहेंगे तो थोड़ी सी भी अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, जब तक इसे थोड़ा सा हिलाते रहेंगे।
दो से तीन मिनट इसे हिलाएंगे। एक दो मिनट होने के बाद इसे डालेंगे जो पीस के रखी हुई थी, ये पेस्ट है। दो से पांच मिनट चलाने के बाद अब इसमें डालेंगे मिर्ची, हल्दी और नमक। हमारा चिकन पूरी तरह से मैरिनेट हो चुका है और 10 से 15 मिनट फ्रिज के अंदर रख दिया था। उसके बाद अब डालेंगे यहाँ पे हमारे मसाला, भी अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। इसके अंदर डालेंगे चिकन, इसमें डाल दें चिकन, चिकन डालने के बाद जरा करेंगे थोड़ी देर चलाते रहेंगे। थोड़ी देर से ढककर छोड़ देते हैं, 5-10 मिनट से ढककर छोड़ देंगे, जब तक इसमें मतलब भाप लग जाएगी धीमी आंच करके। पांच से दस मिनट पकने के बाद कुछ ऐसा रूप आता है इसका। उसके बाद इसमें डालेंगे मीट मसाला और थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी। इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे MDH का मीट मसाला, इसे थोड़ा सा रेड पन आ जाएगा और चिकन ऐसे करेंगे थोड़ी देर, ऐसे ही चलाते रहेंगे 5-10 मिनट के लिए चलाएंगे। इसे चलाते रहेंगे 1-2 मिनट के लिए, इसे चलाते रहेंगे। अब इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी, जितना तुम्हें झोल चाहिए उस हिसाब से। अब इसे छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट से ढककर, भाप से पक जाएगा। थोड़ी सी आंच को कर लेंगे तेज पे मीडियम, इतनी कर लेंगे। हमारा चिकन रेडी है, खुद भी खाओ और अपनी फैमिली को भी खिलाओ और खुश हो जाओ।